व्हाट इज़ अप गाइस, आदर्श हियर। तो आज मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा बड़ा अपडेट है, ठीक है, लोर के मामले में भी और आने वाले कंटेंट के मामले में भी। तो वीडियो को एंड तो ज़रूर देखना। तो सबसे पहला बात ये कि हम ओरोची वीडियो बोले थे सीजन 15 के एंड में ओरोची वापस सील हो गया है, मगर हम लोग पास अभी नया डेवलपमेंट आया है कि जो हम लोग का टीम ओरोची, मतलब हम लोग का ओरोची क्रिस, ओरोची शोमी और ओरोची कौन बचा, हाँ याशिरो, ये तीनों जब रिटर्न की अपना ओरोची फॉर्म में एज अ डीएलसी, तो वहाँ पे हम लोग के 15 के स्टोरीज थोड़ा और एक्सटेंड किया गया है, जहाँ पर उसके एंड में हम लोग ये देख रहे हैं कि ओरोची शोमी नहीं, हाँ ओरोची शोमी, ओरोची याशिरो और ओरोची क्रिस, ये तीनों मिलके ओरोची को अनसील कर चुके हैं। यस, आप लोग सही सुन रहे हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, गोइनेट्स भी वापस जिंदा होकर आ चुका है। हम लोग जो देखे कि भाई क्रिस, शोमी और ओरोची ये लोग वर्स के अंदर से निकले थे, तो इनके साथ गोइनेट्स भी निकल के आ गया वापस। तो गोइनेट्स फैन, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़। तो इसका हम लोग क्या समझ सकते हैं कि हम लोग बहुत ही जल्दी एक्सपेक्ट करते थे कि भाई गोइनेट्स भी हम लोग का एज अ डीएलसी आएगा और हम लोग को एक ईएक्स गोइनेट्स देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि 15 में भली अभी कोक एज अ कैरेक्टर प्लेबल नहीं हुआ है, मगर वो आ चुका है। तो यस, ये भी आप लोगों के लिए बहुत बड़ा न्यूज़ आ चुका है एक टू। और इसके बाद क्या, तो आखिर होता क्या उस स्टोरी में कि ये लोग ओरोची स्किल को अनलॉक कर दिए हैं, ठीक है, और इसके बाद क्या कि ओरोची पूरा वर्ल्ड को ख़त्म कर चुका है, जो गाइयाज विल के आपको हम बताए हुए थे ओरोची वाली वीडियो में कि भाई एज बीइंग ह्यूमंस हम लोग जो इतना आतंक मचा के रखे हुए धरती पे, और हाँ कोई सेलमोन भाई कमेंट किया था हमको अभी भी याद है, हाँ तो हम लोग ये सब जो इतना गंद फैला के रखे हैं, तो ओरोची वापस आकर उन सभी ख़त्म कर देता है, इंसानों को वाइपआउट कर देता है, और बचते कौन है, सिर्फ हम लोग के शोमी, क्रिस और याशिरो, यही तीनों रहते हैं। मगर उसके बाद ये तीनों खुद ही डिसाइड करते हैं कि भाई ये तो कर तो दिए, मगर अब क्या करें, क्योंकि वर्ल्ड में कोई भी इंसान है नहीं। और देखो, जिनको नहीं पता है ओरोची क्रिस, ओरोची भाई यार इतना लंबा नाम नहीं देने वाले हम, क्रिस शोमी और हम लोग के याशिरो, इन तीनों का अपना बैंड है, ठीक है, तो इन लोग करेंगे क्या अब, तो लोग वही डिस्कस करते रहते कि भाई अब क्या। ये क्रिस बोलता है कि बाबू तुम लोग भाई क्या इंसान है कि हैवान है तुम लोग, हाँ हम लोग का जो गोल था हम लोग अचीव कर लिए, इसके आगे और क्या चाहिए। और हाँ, जैसे कि हम लोग गोइनेट्स वापस आ चुके हैं, तो जैसे हम लोग पता है 14 के एंड में क्या हुआ था, जो वर्स हम लोग का आखिरी विलन था वहाँ पे, वो जब मरा था तो उसके अंदर जितने सोल ट्रैप थे वो सभी निकल के आ गए थे बाहर, तो उसी में हम लोग गोइनेट्स का सोल ट्रैप था, और उसी के साथ ही साथ हम लोग का क्रिस, शोमी और याशिरो, इन सभी का स्टोर भी ट्रैप था। तो केवल 14 ने बहुत ज़्यादा चालाकी वाला काम किया कि इन लोग जितने भी कैरेक्टर्स थे जिनको इनको वापस लेकर आना था आगे गेम मोड में, उन सभी को वापस ले आए, तो ये बहुत ही अच्छा चाल चले ये लोग। और इसके बाद क्या कि भाई डीएलसी तो ये वाला आ गया है और हम लोग एंड ऑफ द वर्ल्ड भी देख चुके हैं, तो अब आगे के स्टोरी में लोग कंटिन्यू करते हैं, वो हम लोग का देखना चीज़ रहेगा। क्योंकि देखो ओरोची भी हम लोग का रिजरेक्ट हो चुका है, ठीक है, तो आप लोगों को खुश हो जाना चाहिए कि भाई हम लोग को एक ईएक्स ओरोची देखने के लिए मिल जाएगा इस गेम बहुत जल्दी। अब बहुत जल्दी मैं बोलने मतलब क्या, शायद 1 से 1.5 साल में समय लग सकता है, 6-7 महीने तो लगेंगे एटलीस्ट, क्योंकि हम लोग केवल 15 के स्टोरी अभी भी डेवलपमेंट में है, और जिस तरह केवल 15 के अपडेट्स आने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग पहले स्कीम आने वाला है, फिर शिंगो आने वाला है, तो इन सभी को लेकर थोड़ा समय लगने वाला है, ठीक है, उसके बाद ही लोग ओरोची को वापस लेकर आएंगे हमारे इस गेम में। और यहाँ पे अथीना खेल गई बेकार गेम, तो ये वाला रन तो हो गया बेकार, तो अब हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, हम इसको वापस रीस्टार्ट करते हैं एक बार। हाँ तो हम लोग वापस आ चुके हैं, तो इन सब डेवलपमेंट से हम लोग क्या मालूम पड़ रहा है कि भाई देखो ऐसे भी टाइमलाइंस हैं जहाँ पे ओरोची जीत चुका है, ठीक, तो इसीलिए हम लोग को बहुत कुछ अब ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखो आगे ये लोग किसको इंट्रोड्यूस करते हैं एज अ विलन, ये हम लोग को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ओरोची भाई वापस आ गया, सब कुछ खत्म भी कर दिया है, मगर ये हम लोग कैनन टाइमलाइन नहीं है, ये आप लोग बता देते हैं। कैनन का तो समझ रहे हो ना, जो ओरिजिनल मेन हम लोग का टाइमलाइन का हिस्सा में आता है, तो ये जो हम लोग को चीज़ बताएं ये ओरिजिनल टाइमलाइन में नहीं आता है। और फिर और क्या होता है आप लोग को अब उस गेम मोड के बारे में, गेम मोड नहीं हम लोग का जो अपडेट हुआ है ये वाला, हम लोग पास है अगर गोइनेट वापस आया है तो मेरे हिसाब से क्या हमको लगता है गारंटीड या लिखाई भी हम लोग को ये चीज़ मान के रखना चाहिए कि हम लोग का ओरिजिनल जीरो वापस आएगा, ठीक है। गोइनेट देखो जितना भी था, जीरो जितना पॉपुलर तो हम नहीं देखे उसको होते हुए, ठीक
ठीक है, तो देन हम गोइनेट्स को लेकर आ रहे हैं वापस, तो जीरो भी फॉर श्योर आएगा, और अगर जीरो आ रहा है तो देन देयर आर चांसेस के लोग नेमलेस को वापस लेकर आए क्वे 15 में एज अ डीएलसी या फिर आगे का स्टोरी कंटिन्यू करते हुए। ठीक है, जो कोई भी फाइटिंग गेम लोग इतनी जल्दी उसकी अपडेट देना छोड़ते नहीं है, फाइटिंग गेम्स एटलीस्ट 2 साल तो उनके अपडेट्स आते ही रहते हैं, जैसे आप लोग मॉर्टल कॉम्बैट कर लो, उसका गेम सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा समय तक चला था। तो हाँ, हम लोग के पास बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं आगे आने के लिए। तो गाइस यही थे इस वीडियो में बताने के लिए आप लोगों को, और हाँ सबसे ज़रूरी चीज़ कि गाइस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आज हम लोग 75th इंडिपेंडेंस डे है, तो इसकी आपको सभी को हम सभी को बधाई। और चलो तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय। आप लोग चाहते हो टाइम अटैक रन देख सकते हो, नहीं तो वीडियो मेरे से यहाँ ख़त्म हो चुका है। तो गाइस कल वीडियो मिलते हैं।教えてやる Ready? Go! 見切った 無駄だ。見切った。
mission. Fail. Follow my path. Shanana. Nanda. Ready? Go! Echo Shakti Fire! Perfect.